और एक वे पॉइंट अपना पहुंच चुका है। ये आपको दूर में एक वाटरफॉल दिख रहा होगा, मेरे को ड्रोन भेजना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, बट द होल एरिया इज जस्ट सो मिसमराइजिंग। सो बेसिकली इसका ये जगह का अगर मैं आपको आपको बोलना होगा एक ही वर्ड में, तो अगर आपको इटली जाना नहीं है, स्विट्ज़रलैंड जाना नहीं है, आइसलैंड नहीं जाना है, आप एक ही कंट्री कर लो, नॉर्वे कर लो, आपको सारा चीज़ मिल जाएगी। एक कंट्री में सब कुछ है, मतलब एरियन आइलैंड्स मैंने देख लिया, आइसलैंड मैंने देख लिया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड का छोटे छोटे गाँव हो गए, भाई सब कुछ है। मतलब एक ही कंट्री में आओगे तो पूरा आपका यूरोप ही हो जाएगा। डैम यहाँ ड्रोन के लिए मिनिमम 10 बैटरी खरीद के लेके रखना पड़ेगा, एंड कैमरा के लिए आपको 10 बैटरी लेके ही आना पड़ेगा, और एल्स यू विल ऑलवेज बी एग्जॉस्टिंग योर बैटरीज। जस्ट सो गुड। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं और एक पहाड़ के ऐसे ऊपर 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 होके, अभी धीरे 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 स्नो क्लैड माउंटेन्स भी आना शुरू हो गया और चन फलेट पोवला आएगा नेक्स्ट। पर यहाँ पे खतरनाक वाला स्पॉट मेरे को दिख गया, यहाँ तो भाई ड्रोन को निकालना ही पड़ेगा। Tilam, did you enjoy the ice? It's too cold. So अभी अपन पूरा माउंटेन्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ खतरनाक ठंड है, एंड ये वाला आइस तो मेरे को दिख के पूरा याद आ गया मेरा इटालियन आइसलैंड वाला ट्रिप, पूरा देखो आइस सुपर। सो गाइस, डन विद द फर्स्ट 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर हमें लग चुका है ऑलरेडी, क्लोज टू 4 घंटा। ड्रोन का 2 बैटरी खत्म और 1 बैटरी अभी चालू है, अभी चार्ज में लगा दिया हूँ। एंड अभी जितना माउंटेन्स के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ठंड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, खतरनाक ठंड। यहाँ पे खाली मन कर रहा है मस्त एक, मतलब हीटर रहता। नेक्स्ट टाइम वी आर थिंकिंग 12 वोल्ट्स वाला अडेप्टर लेके आएंगे, और वी आर ऑलरेडी कैरिंग द अपना हीटर, तो अपना लेके ही घूम रहे हैं। सीधा रोटी और ऑमलेट बनाएंगे, खाएंगे रोटी ऑमलेट यहाँ रास्ते में, माउंटेन्स में खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। चारों ओर बस आइस 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 आइस। डन विद ओनली 80 किलोमीटर, 6-7 घंटा ऐसे ही चले गया, 80 किलोमीटर, इतना स्टॉपेज, बट ऐसा मजा आ रहा है। हम ये वाला हम ऊपर वाला माउंटेन से पूरा आए, ऊपर में इतना बड़ा वाला वाटरफॉल आया, वहाँ से पानी मतलब पूरा निकल रहा है, इतना स्पीड से लॉकी लोकेशन लॉकी। इसका भी ड्रोन या लेना टेक ऑफ नहीं करती, मेरा 3 बैटरी ऑलरेडी खत्म हो गया, अभी चार्ज चाहिए।
सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी फॉर टुडे। सो आज अपना अभी लास्ट वाला जो मेन वाला एक्सपीरियंस है, ये वाला एक्सपीरियंस कभी भी आज तक हुआ नहीं है। सो अभी हम जाएंगे ये रोड के बाद, और रोड नहीं है अभी, अब सीधा शिप के अंदर हमारा कार अभी घुस जाएगा। शिप पहुंच चुका है, मैं आपको सामने से दिखाता हूं एग्जैक्टली क्या मैं बोल रहा हूं। सो शिप में ये सारा गाड़ी जाएगा, लोड होगा, शिप जाके हमें जाके उस तरफ लैंड में छोड़ेगा, उसके बाद जाके हम वहां से फिर से उतर के फिर से वो अपन ड्राइव करेंगे। गोप्रो का फुटेज में देख लो। तो अभी ये वाले शिप में अपना गाड़ी लोड होगा। अभी देखो सारे गाड़ी वेट किए हुए हैं। सो ये क्या करेगा, ये लैंड से उस तरफ लैंड को हमें लेके छोड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग एग्जैक्टली। तो दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या मैं बोल रहा हूँ। सो शिप में ये सारा गाड़ी जाएगा, लोड होगा, शिप जाके हमें जाके उस तरफ लैंड में छोड़ेगा, उसके बाद जाके हम वहां से फिर से उतर के फिर से वो अपन ड्राइव करेंगे। गोप्रो का फुटेज में देख लो। टर्न लेफ्ट देन इमीडिएटली मेक अ शार्प लेफ्ट। So, अभी देखो ये शिप के अंदर सारा गाड़ी अभी कैसे लोड हो रहा है। उस तरफ जितने गाड़ी है वो सब ऑलरेडी अनलोड हो चुके हैं। अभी यहाँ पे पूरा ट्रैफिक लाइट्स की तरह ग्रीन रेड सब कुछ दे दिया गया है शिप में। वहाँ पे पूरा ट्रैफिक पुलिस भी है, ये पूरा अभी शिप में लोड होगा। देखो ग्रीन है, लिखा दिया गया है पूरा क्लियरली। मैनहेलर टेक द फेरी। मैनहेलर टेक द फेरी। सो दिस इज द फेरी राउट। सो ये हम ऑलरेडी अभी फेरी के अंदर घुस चुके हैं। ये फेरी अभी जाएगा, शिप नहीं, दिस वाज एक्चुअली ये फेरी। सारा वर्ड ही मैं रॉन्ग यूज कर रहा था। फेरी 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 इज फेरी, ह्यूज फेरी विच कैन एक्चुअली हैंडल ट्रक्स, बसेस, आरवीज, कार्स, बाइक्स, एवरीथिंग। सो एवरीवन हैज टू गेट ऑन दिस फेरी। ये फेरी जाएगा उस तरफ छोड़ के आएगा। अभी आपको ऐसे ही बैठना है। सो फेरी अभी चलना शुरू हो गया, आप देख सकते हो कैसे राउंड मारे। सारा इतना लंबा फेरी है, इसको देखने से ही डर लग रहा है। वो वाओ, वो पूरा इधर से उधर लेके जाएगा। एंड इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगा, मेरे को लगा था कुछ पैसा लेते होंगे। टोटल फ्री है, सीधा मैं आया रोड की तरह, क्योंकि रोड इन्होंने नहीं बना तो फेरी बना दिया। तो रोड की जगह फेरी, आप जैसे ही रोड का एंड हो जाएगा उसके बाद फेरी वहाँ लगेगा, आप गाड़ी को लोड करोगे, उसके बाद गाड़ी जाके ये फेरी जाके उस तरफ वाला जो आइलैंड है वहाँ जाके रुकेगा, वहाँ खोल देगा, बेसिकली रोड की तरह को कनेक्ट कर देगा। उसके बाद यू हैव टू अगेन ड्राइव। ये देखो चालू हो चुका है अपना फेरी। And it looks so good, पूरा loaded. कार वाला फेरी, this is the first time I'm seeing a कार वाला फेरी, ह्यूज बड़ा वाला पूरा चलना शुरू हो गया है। इतना बड़ा फेरी है, ये चल रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, ये चल रहे हैं, पूरा स्टेबल, सुपर स्टेबल। पानी में देखने से मालूम पड़े। अभी वो फेरी देखो, एक जा रहा है वहाँ से कार्स को लेके आया है, कार देखो, कार एंड ट्रक सारा लोड हुआ है, वो जाएगा उस तरफ छोड़ेगा, फिर वहाँ से लेके आएगा। वैसे हम लोग भी एक में हमें ये लेगा, फिर उस तरफ से लेके आएगा। बेसिकली नॉर्वे गवर्नमेंट ने इन्होंने ऐसे किया है कि ये तो लैंड के बीच में, सिंस दे वर नॉट एबल टू डू द रोड्स और प्रॉपर टनल कुछ बन नहीं पाया, वो ऐसा शिप वाला मतलब फेरी वाला सिस्टम इन्होंने दे दिया है। बट मे बी आगे जाके वो करें, क्योंकि यहाँ पर नॉर्वे शायद वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, सबसे बेस्ट वाला टनल भी ये लोग बना रहे हैं। यहाँ से आपको हम देखने से मालूम पड़े फेरी में सब कुछ लोड हो गया, फेरी चालू है। अभी और मे बी और 15 या 20 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे। लीला, डिड यू सी द फेरी? डू यू लाइक इट? से रोड से हमें फिर से अपने को फिर से ड्राइव करना है, वही अच्छा कनेक्टिविटी हो जाए तो भाई दिल खुश है। आज ये एक फेरी ऐसा वाला हुआ, अपने को और भी एक लैंड फॉर्म चेंज करेंगे उस दिन, फिर से अपने को ऐसे ही करके कार को फिर से फेरी में लोड करके फिर से जाना है।
देखिए रो पता था लोकली चलो अपन अभी पहुंच जाएंगे सारे बंदे वहां पे फोटो लेने में बिजी कैसे लैंड पहुंचेगा क्लोज सपना फेरी पहुंच चुका है अभी विल ड्राइव फेरी पहुंचा जस्ट डॉक में लगा हुआ है वहां से रेड ग्रीन लाइट होगा जैसे ही ग्रीन होगा अपन भागेंगे एंड टोटल ये निकला है एग्जिट पूरा सीधा एक टनल के सामने ही एग्जिट हुआ है सीधा वहां से निकल जाएंगे स्ट्रेट सो खुल गया फेरी हैज अराइव्ड सीधा यहां से रोड से निकल के चलेंगे सुपर गुड सर्विस में मतलब मालूम ही नहीं पड़ा कब रोड चला Take कब फर्स्ट एग्जिट सीधा अभी देखो ये सब लोग भी वेट किए हुए हैं प्लीज फॉलो द रूट फॉर 17 किलोमीटर्स सो अभी हम आ चुके हैं अपना सेकंड वाले लैंड पे फेरी कनेक्ट होने के बाद मेरा मैप्स पूरा पागल हो गया वो कहाँ जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा एंड ये वाला लैंड में पूरा मतलब लैंडस्केप ही चेंज हो गया यहाँ तो पूरा पाइन ट्रीज एंड पूरा मस्त पूरा मतलब लैंडस्केप टोटल चेंज टर्न राइट अभी अपने को और जाना है क्लोज टू अबे भाई ये 88 कब किलोमीटर दिखा रहा है कब 62 किलोमीटर दिखा रहा है क्या चल रहा है बॉस होली शिट मैन आज पूरा रोड आज 100 किलोमीटर हमें आने के लिए लग गया है क्लोज टू 8 घंटा क्योंकि पूरा माउंटेन्स रोड इतना पतला एक गाड़ी जाएगा तो सेकंड वाला गाड़ी आने से उसके ऊपर यहाँ के सारे यूरोपियंस बुढ़े बुढ़ी भाई सब आरवी लेके पूरा मोटर होम लेके घूम रहे इतना बड़ा बड़ा गाड़ी रोड जितना बड़ा नहीं उससे बड़ा उनका गाड़ी है भाई साइड मार मार के मेरा पिछवाड़ा पूरा साइड मार गया एनी वेज अभी मैं आया हूँ अभी तेल भर के कुछ थोड़ा ग्रोसरी तो मिलता नहीं है खाली वही पोर्क बीफ पोर्क भाई अपना चिकन बटर मसाला चिकन नान ये सब मिलना चाहिए नहीं मिलता है इतना छोटा छोटा बर्गर 900 रुपये एनी वेज तेल भर के अभी निकलेंगे और मोर 60 और 65 किलोमीटर ड्राइव सो दैट विल रीच द होटल पहुँचने के बाद आपको होटल का टूर देता हूँ ऑलमोस्ट क्लोजिंग द होटल आई थिंक और 20 या 30 किलोमीटर ऐसा है अभी रोड पर एक मस्त वाला एक वाटरफॉल मिला है चलो सो पहुंच चुके हैं खतरनाक वाला जगह और 20 या 25 किलोमीटर है ओनली कार भाई चल चल के थक चुका है एंड यहाँ एक खतरनाक वाला वाटरफॉल मिला सो अभी ये इसके बाद अभी और एक फेरी शायद अपने को लेना है चलो ये वाटरफॉल पहले देख के आते हैं ओ डैम अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि हर 2 महीने में मतलब अभी यहाँ से जाऊँगा जैसे ही मैं पहुँचूँगा दुबई घर वहाँ जाके फिर से और एक वीज़ा अप्लाई करूँगा 2 महीना के लिए कंटेंट रेडी है बस पूरा जितना कंटेंट है 2 महीने तक रील्स पोस्ट यूट्यूब वीडियोज़ 2 महीने के लिए माल रेडी है जब तक मेरा वीज़ा आएगा 1 महीना फिर से पूरा काम ख़त्म करके फिर से नेक्स्ट महीना निकल जाएंगे और एक रोड ट्रिप के लिए ओ भाई ये पूरा एरिया ही पूरा पानी हो गया इतना जोरदार वाला वाटरफॉल नीचे गिर रहा है पूरा एरिया ही पानी हो चुका है ओ दी डैम मैन रियली ओ हो हो कितना ऊपर से लोग निकल के आ रहा है क्या मेरा कैमरा पूरा भीग गया पर कितना बड़ा वाला है सुपर ओ हो फील आ गया वाटरफॉल देख के तो भाई लोग मेरा एक बुरी तरह से कट चुका है सो हम लोग एक्चुअली यहाँ 3 लैंड है हम लोग जहाँ से है दैट वाज ए हेला ये पूरा था वो पूरा अलग लैंड था ये है सोलवेंग ये एक अलग लैंड है और एक जो पूरा माउंटेन वाला अलग वाला लैंड है दैट इज़ ड्रैग्सफिक तो हमें एक्चुअली ड्रैग्सफिक जाना था सो हमने क्या किया फेरी से हम लोग उतर गए यहाँ सोलवेंग में बट सिस्टम ऐसा था कि आपको सोलवेंग में उतरना नहीं है आपको ड्रैग्सफिक में जा के उतरना है वहाँ से आगे जाना है सो अभी हमें फिर से और एक फेरी के लिए वेट करना पड़ेगा वो फेरी आएगा वहाँ से फिर ड्रैग्सविक जाएगा फिर हम वहाँ से उतरेंगे फिर वहाँ से ड्राइव करके जाएंगे आज लगता है फिर रात 10 बजे मतलब क्लोज टू 12 घंटा हमारा
यहीं चले गए। एक बार पुलिस अंकल से पूछ के आ जाते हैं भाई, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से पूरा रात भर घूमते रहेंगे और थोड़ी देर के बाद इनका फेरी भी बंद हो जाएगा, क्लियर हो जाते हैं। तो अभी अपना सेकंड वाला फेरी टर्मिनल अभी आ चुका है, सेकंड वाला, दिस इज द ड्रैग्सविक। ड्रैग्सविक से आफ्टर 400 मीटर्स टेक द फेरी एंड गो अलोंग 55 वाला फेरी। अरे यार ये वाइपर को क्या हो गया, आगे जाके देखते हैं। सो अभी यहाँ से अपने को ये लैंड से सेकंड लैंड को जाएंगे। सो बेसिकली आज एक दिन में हमारा दो दो फेरी वाला एक्सपीरियंस हो चुका है अभी ऑलरेडी। सो गाड़ियाँ जा रही हैं हमारे लिए, अभी ये लोग वेट किए हैं, हम सीधा जाके बस खाली घुसा देंगे। कहाँ से जाना है बॉस, यहाँ से शायद शायद यस। लेट्स गो अंकल, छोड़ दो हमें, टेक द फेरी, जाएं जाएं। यस कोई भी आया नहीं है, आराम से ये सेकंड। अरे ये फेरी तो और भी खतरनाक साइज वाला है। Please follow the route for 2.4 kilometers. अपना सेकंड वाला फेरी आज एक दिन में दो अपना दो बार लैंड में क्रॉस करना पड़ा। अभी ये लैंड सेकंड वाले लैंड में थर्ड वाले लैंड में बन जाएंगे, तो दो बार फेरी क्रॉस करना पड़ा, दो दो लैंड टच किया गया है। अभी वेट किए हैं और थोड़ा गाड़ी फिल अप हो। अब एक लेन में तो टोटल फिल कर दिया गया है मेरा, मैंने सेकंड लेन का, पहले वाला गाड़ी मेरा ही है। और कुछ गाड़ी आ जाए तो सीधा अपन निकलेंगे। टाइम हो चुका है 8 PM मेरे को साथ, ऑलमोस्ट 8:15 PM पे 8:15 PM फिर भी बहुत पूरा मन बड़ा वाला फिर। एंड यहाँ पे सारा सुविधा अभी ऊपर जाकर अब आराम से लाउंज में आराम से बैठ बाथरूम वाथरूम है, वॉशरूम है, सब कुछ है। सुपो फिर इतना बड़ा है, ये चलने का टाइम मालूम ही नहीं पड़ता है कि चल रहा है। अभी शायद ये लोग निकल जाएंगे क्योंकि अभी कोई है ही नहीं, तो फिर ये बंद कर देंगे और फिर थोड़ा वेट करते हैं। अगर गाड़ी नहीं आता है फिर ये लोग चलना शुरू कर देंगे, अभी मे भी वो निकलेंगे क्योंकि एक भी गाड़ी पीछे से नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है, वेटर है, फायर पोस्ट वोस्ट सब कुछ है, पैसेंजर लाउंज ऊपर है, पूरा खाना पीना सब सुविधा है। ऑफकोर्स खाने के फ्री नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। जाएगा ग्रीन येलो, भाई कौन से वाले रोड पे जाना है वो देखना है हमें अभी। चलो ये वाले रोड से जाना है, कर्व लेफ्ट, फेरी खत्म, रोड स्टार्ट्स नाउ। भाई 16 किलोमीटर 22 किलोमीटर
एंड यहाँ भाई नॉर्वे में कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो मेरे को लास्ट में ऐसे सब देख के पेट भरना पड़ता है। ये लोग गुपचुप हो गया, ये अपना हो गया, ये सबसे बेस्ट था समोसा विद घुगनी। नो वे। उसके बाद ये होली डैम मैन, ये बस देख सकते हैं, खा नहीं सकते। कहीं बस ये मिल जाए तो अभी पहुँच चुके हैं आज वाला होटल है, एंड दिस इज द होटल टूर। सो ब्रेकफास्ट भी है, चाय पानी भी है, एंड बाकी रूम में टीवी नहीं है बेड बैल्कनी है, एंड टिपिकल नॉर्वेजियन लोकल होम। एंड यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से अंदर से पूरा खतरनाक वाला व्यू आ रहा है, एंड यहाँ से अगर इस तरफ से व्यू देखोगे यू विल गेट सम अमेजिंग व्यूज। Anyways guys, so that's it for today. अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक करके चले जाना, make sure to subscribe as well, so I will see you, you don't miss all the video, future video notifications. I will see you guys on the new vlog.